नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, कल हमने वचन ये पाठ पढ़ा था। अभी इस पाठ को हम दोहराते, आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। आओ करें, जरा बताइए तो, ये क्वेश्चन है। शब्दों की संख्या कौन बताता है? तो बच्चों, शब्दों की संख्या वचन बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से ज्यादा है उसे बहुवचन कहा जाता है। तीसरा है, खिड़की का बहुवचन क्या होता है? अगर एक खिड़की, एक वचन में एक खिड़की, तो बहुवचन में क्या होगा? तो खिड़कियां, बहुत सारी खिड़कियां, तो उसका बहुवचन होगा खिड़कियां। आइए अब लिखें। उसमें प्रश्न एक है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ बॉक्स में आपको इस वाक्य के ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही शब्द ढूंढ के वाक्य पूरा करना है। वाक्य का अर्थ होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। क में है, मुझे एक डैश चाहिए। ये बॉक्स में दिया है केला, केले। अगर मुझे एक, यहाँ पे एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें से एक वचन शब्द ढूंढ के ही यहाँ पे लिखना है आपको। तो मुझे एक केले और केला, केला केले और केला, ये दो शब्द दिए हैं। तो केला ये एक वचन में है और केले ये बहुवचन। तो हमारा वाक्य क्या है? मुझे एक। तो अगर वाक्य में एक वचन है तो हमको ऑप्शन में भी आंसर एक वचन का ही ढूंढना है। तो इसका सही आंसर होगा केला। मुझे एक केला चाहिए। समझ में आया? ऐसे दूसरा ख में है, फूल पर एक डैश मंडरा रही है। बॉक्स में दिया है तितलियां और तितली। अगर एक फूल है, वाक्य एक वचन है, तो बॉक्स में जो शब्द दिए है उसमें भी एक वचन ही शब्द आपको ढूंढ के यहाँ लिखना है। फूल पर एक तितली, यहाँ तितली एक वचन का शब्द लिखना है। तितली मंडरा रही है। ग में है, मेरे घर में चार। अभी देखो बच्चों, मेरे घर में चार, एक से ज़्यादा है कि नहीं? तो कमरा, ये शब्द गलत रहेगा। मेरे घर में चार कमरा, कमरा ये एक वचन शब्द है, इसलिए कमरे ये बहुवचन शब्द बहुवचन का कमरे ये शब्द यहाँ पे लिखना है। घर में है, मीना के पास कई डैश है। अभी यहाँ पे कई शब्द ये क्या दिखाता है? आपको क्या समझ में आता है इसमें? कई मतलब बहुत सारी। तो यहाँ पे गुड़िया, चंद्र बिंदु वाला जो शब्द होता है वो बहुवचन दिखलाता है। तो यहाँ पे गुड़िया शब्द, चंद्र बिंदु वाला शब्द हमेशा याद रखना है। चंद्र बिंदु वाला शब्द यहाँ पे लिखना है। हो गया? अभी ड में है, मैंने मेले से चार डैश खरीदी। मैं मेले में गया था तो कितने? एक से ज़्यादा, चार। तो ये जो वाक्य है ये बहुवचन दिखाता है। तो बॉक्स में जो बहुवचन का शब्द है पुस्तक की, तो ये अनुस्वार वाला पुस्तक है, ये शब्द यहाँ पे लिख के ये वाक्य बहुवचन पे कंप्लीट करना है। मैंने मेले से चार पुस्तकें खरीदी। अभी पेज नंबर 44 पे है, प्रश्न नंबर 2 में वचन बदल कर लिखिए। बच्चों, आपको शब्द दिए हैं उसके बहुवचन बनाने हैं। अगर एक वचन दिया है तो हमको बहुवचन बनाना है, और बहुवचन दिए है तो एक वचन बना। पहला है माता, तो बहुवचन में माताएं। ख में रात, तो राते। ग में तितली, एक तितली, तो बहुत सारी तितलियां। घ में बच्चा, बच्चे। लड़का, लड़के, बहुत सारे लड़के। लड़की, तो लड़कियां। पेंसिल, तो बहुत सारे पेंसिलें। कमरा, कमरे। अभी प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों को
सही जगह पर लिखिए। बच्चों ये बॉक्स में शब्द दिए हैं, बहुत सारे शब्द दिए हैं आपको, एक वचन बहुवचन ऐसे दो कॉलम दिए हैं, तो एक वचन के शब्द यहाँ पे ढूंढना है और एक वचन के नीचे लिखना है और बहुवचन के शब्द इसमें ढूंढ के बहुवचन में लिखना है। तो आओ देखते हैं एक वचन में कौन कौन से शब्द है। इससे पहले मैं शब्द पढ़ती हूँ। शब्द है पत्ते, पुस्तक, झूले, मक्खियाँ, तितली, बकरी, आँखें, माता, रोटियाँ, माला। ये हो गए हमारे शब्द। अभी हम कॉलम में एक वचन के कॉलम में एक वचन के शब्द और बहुवचन के कॉलम में बहुवचन के शब्द। अभी एक वचन में आएगा पुस्तक, एक पुस्तक, तो ये इसमें लिखना है एक वचन के कॉलम में। दूसरा है तितली, एक तितली, एक बकरी, एक माता, एक माला। अभी देखते हैं बहुवचन के शब्द। पत्ते, बहुत सारे पत्ते, झूले, बहुत सारी मक्खियाँ, आँखें, रोटियाँ। ये हो गए हमारा कॉलम में शब्द लिख के कंप्लीट। ज़रा सोचिए तो क्या आप आकाश के सारे तारों को गिन सकते हो? बच्चों आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, क्या आपको गिनना आएगा? दूसरा है बगीचे में आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो जो अनेक है। आप बगीचे में घूमने जाते हो तो क्या क्या दिखाई देता है? बहुत सारी चिड़िया चहकती है, बहुत सारे फूल पौधों पर खिले होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। इसी प्रकार बगीचे में जो अनेक है वो आपको दिखाई देती है। अभी पेज नंबर 45 पे करके देखिए। चित्र देखकर एक अनेक छाटते हुए नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। बच्चों ये पिक्चर देख रहे हो, उसमें दो कॉलम नीचे दिए हैं, एक एक का कॉलम, एक अनेक का कॉलम। तो हम पिक्चर में देखते हैं चित्र में कि कौन कौन सी चीज़ें एक है और कौन कौन सी अनेक है। तो साइकिल, एक ही साइकिल, बच्चा एक ही बच्चा एक ही साइकिल चला रहा है, तो एक के कॉलम में साइकिल। अनेक के कॉलम में लड़कियां, देखो एक दो, एक से ज़्यादा दो लड़कियां हैं, इसलिए दो लड़कियां, एक से ज़्यादा बहुवचन में लड़कियां। गेंद, एक ही गेंद है, यहाँ पे गेंद, एक बच्चा गेंद खेल रहा है तो गेंद एक ही दिख रहा है, तो गेंद यहाँ पे लिखना है। लड़के, लड़के देखो एक दो तीन चार, चार लड़के हैं तो ये अनेक वचन के कॉलम में लिखना है। गिलहरी, अभी गिलहरी यहाँ पे पेड़ पे एक ही गिलहरी दिख रही है तो यहाँ पे एक के कॉलम में लिखना है। चिड़िया, तो चिड़िया कितनी दिख रही है, एक से ज़्यादा, मतलब दो चिड़िया, ये अनेक वचन के कॉलम में लिखना है। खिलौना, ये लड़की खिलौने से खेल रही है तो उसके पास एक ही खिलौना है तो खिलौना ये शब्द एक कॉलम में लिखना है। अभी है अनेक वचन के कॉलम में फूल, तो एक दो तीन, तीन फूल है इसलिए ये फूल शब्द अनेक वचन के कॉलम में लिखना है। उसके बाद है जीवन मूल्य में है, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है परंतु अनेक लकड़ियों को मिलाकर बने गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए सदा मिलकर रहना चाहिए। बच्चों अगर आप एक लकड़ी को तोड़ने जाओगे तो वो आसानी से टूट जाती है, परंतु बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर आप एक साथ तोड़ने जाओगे तो ये टूटना बहुत मुश्किल है, इसलिए सदा मुश्किल समय में भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों आपको होमवर्क में वर्कशीट पेज नंबर 20, उसमें अपठित गद्यांश है, यह गद्यांश पढ़ के आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक गरीब किसान था, वह खेतों में काम करता था। एक दिन शाम को वह खेत का सारा काम करके घर लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। बच्चों एक गरीब किसान, किसान मतलब खेतों में काम करने वाला, उसको किसान कहते हैं। वह बेचारा गरीब था, वह खेतों में काम करता था, वह पूरा दिन अपने खेतों में काम करता था।
सुबह जाता था और शाम को घर पे वापस आता था। एक दिन शाम को वो खेत का सारा काम करके घर लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। वो सुबह जाता था और शाम को घर आता था तो उसे रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। अभी बच्चों प्रश्नों के सही उत्तर लिखो, ये आपको इसके आंसर आपको गद्यांश में मिलेंगे। अच्छी तरह से पढ़कर यहाँ पे इसके नीचे आपको आंसर लिखना है। थैंक यू।